क्या बात है, आज तुम दोनों दाल चावल के लिए झगड़ा कर रहे हो। नहीं नहीं माँ, दाल चावल के लिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आम का अचार जो किचन में रखा है ना, उसके लिए झगड़ा हो रहा है। कौन से आम के अचार की बात कर रहे हो? मैंने तो कोई अचार किचन में नहीं रखा। मैं तो सोच रही थी कि तुम लोगों ने दाल चावल खाया भी होगा या वो भी आज बर्बाद होने वाला है। तो फिर ये अचार आपने ही रखा, तो ये आया कहाँ से? सुमन अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सुमन का एक 15 साल का बेटा और 18 साल की बेटी थी। गांव में शुरू से पली बड़ी सुमन की शादी शहर में हुई थी। अब ऐसे में सुमन का अपने घर गांव बहुत का माना जाना हो गया था। बच्चे भी बड़े हो चुके थे, उनकी पढ़ाई लिखाई में सुमन काफी व्यस्त हो जाया करती थी। एक रोज सुमन अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। माँ, अगर इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ेंगी तो मैं जरूर बच्चों के साथ आपसे मिलने आ जाऊंगी। बहुत समय भी हो गया है आपसे मिले हुए। हाँ हाँ, पूरे 5 साल हो गए हैं। ये सुनते सुनते कि इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ेंगी तो बच्चों के साथ आपसे मिलने आऊंगी, इस बार भी मैं इंतजार करूंगी बेटा। माँ, आप तो जानती हैं ना, घर में कितना काम होता है। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको स्कूल की छुट्टी मिलती ही नहीं, और आपके दामाद को तो काम से फुर्सत ही नहीं है सच में। अब माँ, आपको जाना है तो आप जाओ नानी से मिलने, हमें गांव नहीं जाना। हाँ माँ, 10 दिन की गर्मियों की छुट्टी मिलती है, उसमें भी हम गंदी सी जगह पर जाना नहीं चाहते। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाँव जाना। तुम दोनों चुप करो, बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। अरे कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं, उन्हें गांव पसंद नहीं तो तू अकेली ही आ जाइयो बेटा। सुमन अपनी माँ से कई सालों से गांव मिलने नहीं गई थी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पति के काम से छुट्टी ना मिलने की वजह से सुमन को समय ही नहीं मिल पा रहा था कि वो कुछ समय के लिए गांव जाकर अपनी माँ से मिलकर आए। ऐसे ही समय गुजर रहा होता है और जल्दी गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं। तभी सुमन अपने पति राकेश से कहती है। जी, मैं वो आपसे ये कहने वाली थी कि अब तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं, तो क्या हम एक बार गांव होकर आते हैं? माँ का बहुत मिलने का मन है हम सभी से। अगर ऐसी बात है तो तुम और बच्चे चले जाओ, मुझे तो कुछ काम है इसलिए मैं तो नहीं जा पाऊंगा। पापा, मुझे गांव नहीं जाना, मुझे वहां जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वहां के लोग बहुत गंदे रहते हैं। और वहां की चीजें भी बहुत गंदी होती हैं, खाना भी बहुत गंदे तरीके से बनाया जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे नहीं जाना गांव। माँ, आपको जाना है तो आप जाओ प्लीज। जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं ना, तो बीच में बोलना जरूरी है। और हाँ, मैंने तुम दोनों से तुम्हारी राय नहीं पूछी कि तुम्हें गाँव चलना है या नहीं। माँ, आप तो कुछ भी कर लो, मैं तो गांव नहीं जाने वाला, तो नहीं जाने वाला। इतना कहने के बाद अमन और नायरा दोनों ही अपना खाना उठाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर राकेश सुमन पर गुस्सा करते हुए कहता है। आज के बच्चे हैं और संस्कार नाम की तो अंदर कोई चीज ही नहीं है, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, देखा ना तुमने। जब भी मैं इन्हें डांटती हूँ तो तुम मुझे इन्हें डांटने नहीं देते हो। बच्चा है, अब देख लो बच्चे होने का नतीजा कैसे जुबान चल रही है। अब अगले ही दिन भवानी फिर से अपनी बेटी सुमन को कॉल करती है और सुमन भी बड़े ही उदास होकर अपनी माँ को फिर से यही कहती है कि इस बार भी उसे समय नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं बच्चे, अगर मुझसे मिलना नहीं आना चाहते तो तू अकेले ही चली आना बेटा। पता नहीं माँ, बच्चे ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगी। इतना कहकर सुमन फोन रख देती है। अब इधर भवानी अपनी बेटी सुमन से मिलने का मन बना लेती है और अपने बेटे को कहकर 4-5 दिनों के अंदर ही सुमन के घर बिना बताए आ जाती है। अब जैसे ही भवानी सुमन के घर आकर गेट खटखटाती है, वैसे ही दरवाजा अमन खोलता है। जी, आप कौन, किससे मिलना है आपको, कहीं आप। एक मिनट माँ, बाहर आकर देखो, कोई पैसे मांगने वाली आंटी आई है। अरे बेटा, नहीं नहीं, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सुमन। अब जैसे ही नायरा गेट लगा देती है, वैसे ही भवानी को बहुत दुख होता है कि उसकी नाती नातिन उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब सुमन तुरंत ही गेट खोल देती है और वो अपने सामने अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाती है और गले लगाकर कहती है। माँ, आप यहाँ कैसे? अब मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहाँ आई हैं मुझसे मिलने, अपनी बेटी से मिलने। तुझे देखकर तो बहुत खुशी हो रही है, और मेरे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें से भी तो मिलवा दे मुझे।
माँ, कहीं ये लोग आपको ही तो मांगने वाली नहीं कह रहे थे? नहीं नहीं, सच में कोई मांगने वाली आई थी, वो तो चली गई। मैंने उसे पैसे पकड़ा दिए थे। कितने बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे, और नायरा तो बिल्कुल तुझ पर गई है। अमन और नायरा अपनी नानी भवानी को नमस्ते तक नहीं करते और उन्हें देखकर दूर दूर भागते हैं, क्योंकि भवानी गांव से थी और भवानी के कपड़े भी थोड़े मैले कुचैले से थे। सुमन अपने बच्चों के व्यवहार से बहुत दुखी होती है, लेकिन अपनी माँ के आने की खुशी से सुमन अपनी माँ की आवभगत में लग जाती है। तेरा घर तो बड़ा ही सुंदर है, अब न जाने अगली बार कब मिलना हो। एक दो महीने रुक कर जाना माँ प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सोच तो रही हूँ कि थोड़े समय तक रुक जाऊं, लेकिन घर का काम भी तो देखना है। तुझे पता है आजकल के बच्चे कहाँ कोई सुनते हैं। सुमन अपनी माँ के साथ खुश होती है, लेकिन अमन और नायरा अपनी नानी के पास बैठते तक नहीं है और ना ही उनसे सीधे मुंह बात करते हैं। एक रोज सुमन की सुबह सुबह तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण सुमन बच्चों के लिए दाल चावल बना देती है। अमन और नायरा दाल चावल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इधर उधर किचन में खाना ढूंढ रहे होते हैं। आज सुमन की तो तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसने दाल चावल बना दिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं क्या बच्चों? आप तो रहने दीजिए नानी, आप गांव वाले लोगों का गोबर पातने के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। हाँ सच में, उसमें से बहुत स्मेल आती है, आप कैसे कर लेती होगी नानी? भवानी को बच्चों की बातों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता था कि शहर में रहने वाले बच्चे कुछ भी बोलते हैं, बड़ों की इज्जत तो उन्हें करना आती नहीं। इसलिए भवानी गांव से लाया हुआ अपने हाथों का बनाया आम का अचार निकाल कर किचन में रख देती है, जिसकी खुशबू से बच्चे किचन में दाल चावल निकाल कर उस अचार के साथ खाते हैं। क्या बात है, आज तुम दोनों दाल चावल के लिए झगड़ा कर रहे हो? नहीं नहीं माँ, दाल चावल के लिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आम का अचार जो किचन में रखा है ना, उसके लिए झगड़ा हो रहा है। कौन से आम के अचार की बात कर रहे हो? मैंने तो कोई अचार किचन में नहीं रखा। मैं तो सोच रही थी कि तुम लोगों ने दाल चावल खाया भी होगा या वो भी आज बर्बाद होने वाला है। तो फिर ये अचार आपने ही रखा, तो ये आया कहाँ से? कहीं ये नानी ने तो नहीं रखा? अब अमन और नायरा को पता चलता है कि जिस अचार के लिए वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, वो नानी के हाथों का बनाया हुआ आम का अचार है, जो उन्हें बहुत पसंद आता है। अब नायरा अपनी नानी को बड़े ही प्यार से कहती है, नानी मैं तो कहती हूँ आप 2-3 महीने यहीं रुक जाओ और आम का अचार बना कर जाना, मुझे तो आपके हाथों का आम का अचार बहुत पसंद आया। माँ के हाथों का खाना ना खाकर तुम दोनों की अकल ठिकाने आ ही गई। हाँ हाँ नानी प्लीज, आप आम का अचार बना कर ही जाना, वरना हम आपको जाने नहीं देने वाले। अच्छा, नानी के हाथों का आम का अचार क्या खाया तुम लोगों ने, तो मेरे ही गुणगान शुरू कर दिया, देखा ना नानी के हाथों का जादू। ये तो मानना ही पड़ेगा नानी, वाकई आपके हाथों में जादू है। जो दाल चावल हम सालों से हाथ भी नहीं लगाते थे, आज उसे मजबूरन हमें खाना पड़ रहा है, और खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है बस वही खाते रहे, लेकिन आपके आम के अचार के साथ नानी। तो नानी कब बना रहे हो आप आम का अचार? और हाँ थोड़ा ज्यादा बनाना, मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आएगा स्कूल में, और सब मेरी तारीफ भी करेंगे। अब अमन और नायरा की नानी भवानी अपने गांव जाने से पहले अपने बच्चों के लिए आम का अचार बनाकर रख जाती हैं, जिसे खाकर हर कोई यही कहता, वाकई नानी के हाथों का आम का अचार खाकर तो मजा ही आ गया।